हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, पता नहीं, मैंने कल शायद ये मेरी स्टोरी मैंने शेयर भी की कि मैंने डाले थे कल दो वीडियो और काफ़ी सारी हैवीनेस हुई थी। इसके लिए मैंने वो वीडियो तो निकाल दी, बट उस वीडियो में ना मैंने आप सभी लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड पे किया था, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अब अभी कर लेते हैं। तो गाइज, आई एम वेरी सॉरी, मैं वही अपनी स्टोरी शेयर करने में लग गई और मैं ग्रेटिट्यूड पे करना ही भूल गई आप सभी लोगों को, कि आप सभी लोगों ने मेरा बर्थडे इतना अच्छा बनाया, जन्मदिन की इतने अच्छे अच्छी शुभकामनाएं दी, और आप सभी लोगों के ब्लेसिंग से मेरा डे बहुत अच्छा गया। थैंक यू वेरी मच। और डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रे करूँगी, आप लोगों के लाइफ में कोई समस्या है तो उसका हल हो जाए और आप लोगों को वो सारी खुशियाँ मिले जो आप लोग डिज़र्व करते हैं। तो हम लोग क्लींस कर लेते हैं अभी और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। चलिए तो रीडिंग निकालेंगे। अभी जो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपकी जो लव इंटरेस्ट है, लव पार्टनर है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं ये देखते हैं। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। करंट एनर्जी मैंने सुबह डाली थी, बट मुझे लगा मैं अभी भी डाल दूँ कि अब क्या सोच रहे हैं। सुबह तो बड़ी अच्छी सोचते हैं, अभी क्या सोच रहे हैं। और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूँगे। बहुत टाइम हो गया गाइस, अगर मुझे लगता है तो मैं दूसरी रीडिंग डालूँगी, नहीं तो फिर सुबह का वेट करना पड़ेगा। आर्कएंजल माइकल, आई इनवोक यू, प्लीज़ कम एंड हेल्प मी इन दिस रीडिंग सेशन। मैं रीडिंग करने वाली हूँ, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके जो भी लव पार्टनर है, जिनसे वो प्यार करते हैं, तो अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। जी आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम एंड गाइड मी। कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइज इनकी लाइफ में, बहुत मेजर बदलाव। अभी नए डे का आए हैं, आज ही आए हैं। गुस्से में है बहुत। ये सराउंडिंग वाले लोग है गाइज इनके लाइफ में, आपके लिए तो मैं निकाल रही हूँ, बट यहाँ पे अभी इस वक्त वो कौन सी सिचुएशन में है ना, ये बोल रहे हैं आर्कएंजल। आर्कएंजल ये बोलना चाहते हैं कि पहले आप उनकी हालत जान लो, फिर बाद में मैं आपको रीडिंग दूंगा। तो चलिए ये टॉपिक थोड़ा ऐड करते हैं कि अभी जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, जिनसे प्यार करते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये तो आपके लिए फीलिंग नहीं है, ये इनकी हालत है। डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी में है गाइस, और ठीक नहीं है वो, जहाँ कहीं भी है ना, वो ठीक तो नहीं है। ये पर्सन अटके हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है वह इस वक्त, क्योंकि बहुत झगड़े चल रहे हैं इनके जहाँ पर भी वो है। इनको लगता है कि वो उस सिचुएशन में वो फंसे हैं, इस थर्ड पार्टी में वो फंसे हैं, समझ नहीं पा रहे, हैंग हो चुके हैं वो।
इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे यहाँ से किस तरह से निकलना है, क्योंकि लोग हैं जो इनको ट्रिगर करते जा रहे हैं। और ये जो लोग हैं वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, सेल्फिश है, इगोइस्टिक है। मुझे लगता है ये लोग इनके इमोशंस का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। आपके पर्सन हो सकता है इमोशनल है बहुत, और ये सारे लोगों को इनका इनकी वीकनेस पता है, जिसके चलते ये आपके पर्सन का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, इनकी इमोशंस के साथ खेलते हैं। आपके पर्सन का काफ़ी चीज़ें पता नहीं है, मुझे लगता है इस वक्त आपके पर्सन के सामने या तो कुछ चीज़ें आई है, नहीं तो ये चीज़ें आने वाली है। मैं लगातार कई दिनों से रीडिंग निकाल रही हूँ गाइस, यहाँ पे बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, या तो कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, नहीं तो आपके पर्सन के सामने आ रही हैं। तो डेफिनेटली ये जो मेजर बदलाव होने वाला है, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का भी इस वक्त कि इनके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो सीक्रेट्स हैं, जो बहुत गंदे सीक्रेट्स हैं, इनके लाइफ में लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनके लाइफ की कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जहाँ पे जिसके साथ भी वो है, तो वो सीक्रेट्स इनके सामने रिवील हो चुके हैं, और वो बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही मतलब निगेटिव हैं, जो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को ना किसी तरह से सिचुएशन को जोड़ने की स्ट्रेंथ रखते हैं, पावर रखते हैं, किसी तरह से बैलेंस करने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं अपने आप को। बट मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है कि ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं इस उस रिश्ते में जिसके साथ वो है, वहाँ पे वो अटक चुके हैं। यहाँ पे टॉप सोर्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये पर्सन दो कंडीशन में डेफिनेटली फंसे, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस उलझन से कैसे निकला जाए। ये जो लोग इनसे जुड़े हैं वो बहुत ही घोर कर्मिक है गाइस, बहुत ही घोर कर्मिक। और इस पर्सन को अभी इस वक्त इनकी आँखों पर अगर पट्टी थी तो शायद उठ चुकी है, और अब ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि अब इनको निकलना कैसे है, क्योंकि जो कोई भी लोग इनके सराउंडिंग है वो बहुत ही झगड़े करने वाले लोग हैं, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, एबेसिव है, यहाँ तक कि किसी किसी के पर्सन को तो मारपीट तक होती है, ये तक दिख रहा है यहाँ पे गाइस। तो ये पर्सन उलझे वहाँ पे फंसे हैं, अटके हैं। यहाँ पे मुझे लगता है जिस पर्सन के साथ वो है, पता नहीं ऐसा ये डेविल की एनर्जी देख के लगा मुझे कि एक ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है, कि जहाँ से इनको कंट्रोल किया जा रहा है, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनके थॉट प्रोसेस पे कब्जा किया है, जैसे किसी ने जैसा वो चाहते वैसे ये पर्सन कर रहे हैं। देखते हैं आर्कएंजल माइकल यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है। डेथ की एनर्जी क्यों है, ऑप्शंस है। ये पर्सन जिनके साथ भी है ना गाइस रिलेशनशिप में, या तो इस पर्सन के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके लाइफ में ऑलरेडी है, जिसके चलते इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है। इनकी या तो सारी एनर्जी वहीं पे इन्वेस्ट हो जाती है, इनकी सारी मतलब जो कुछ भी आपको देना चाहती सारे वही ऑप्शंस में ख़त्म हो जाते हैं। या तो ये पर्सन जिसके साथ डील कर रहे हैं इनके सामने कुछ सीक्रेट्स आए हैं, जैसे कि जो थर्ड पार्टी उनके ऐसे चीज़ें सामने आए हैं कि इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी और भी ऑप्शंस कैरी करके चल रही है। बट ऑप्शन ही या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑप्शन या पर्सन है जिसके चलते इस पर्सन को लग रहा है कि सारी चीज़ें इसे ख़त्म हो गई है, थक रही है, ये पर्सन बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं। यहाँ पे डेफिनेटली अब मैं बोलूँगी कि कोई कुछ कर रहा है, आपके पर्सन के इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी के साथ रह के आपके पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है, डेविल एनर्जी है। हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं शायद आपके पर्सन के, एक सेपरेशन मोड आप दोनों में चल रहा है डेफिनेटली, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं लग रहा है। और देखिए ये सारे इनके कार्मिक है जो इनको लगातार झगड़े कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, निकलने की एनर्जी आई है, यहाँ से कंप्लीट परफेक्ट एनर्जी आ रही है गाइस। स्ट्रेंथ जुड़ रही है अपने आप को कि किस तरह से आपको ये पर्सन फिर से बोलते हैं ना कि अप्रोच करें।
आपके लिए सोचे। कोई है गाइज हेल्थ पे भी, आपके पर्सन के हेल्थ पे भी कोई खिलवाड़ कर रहा है, एक ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पर्सन पे हो रहा है, जिसके चलते आपके पर्सन पर कंट्रोल किया जाना, उनके माइंड माइंड को कंट्रोल करना, ये खुद भी नहीं समझ होंगे कि ये इस तरह से क्यों सोच रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप टेन ऑफ सोर्स, फैमिली की एनर्जी बहुत आई है। क्या आप मैरिड इस पर्सन के साथ, आप मैरिड और ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में भी है ना, तो वो जो कोई भी है वो या तो पास में या फिर दूर, यहाँ पे सेपरेशन की भी एनर्जी, कोई दूर रह के कुछ तो कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर। जगलिंग में लगे हैं आपके पर्सन, ये कहीं और मैरिड है तो आपके साथ रिलेशनशिप में ये पर्सन जगलिंग में लगे हैं, इनको अपनी मैरिज भी बैलेंस करनी है और इनको आपके साथ रिश्ता भी इनको बैलेंस करना है, बट अभी फ़िलहाल समझ नहीं पा रहे हैं जिस धोखे से वो जा रहे हैं, जो जिस तरीके का इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे लगता है बहुत गलत हुआ है आपके पर्सन के साथ। बहुत बड़े हेल्थ इश्यू चल रहे, हॉस्पिटलाइज हुए हैं यहाँ पे किसी किसी के पर्सन, या फिर किसी किसी के पर्सन के सामने चीज़ें आ गई है कि जिसके साथ भी हो रहे हैं वो पर्सन तो ठीक नहीं है और वो वहाँ पे फंस गए हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट वो निकल नहीं पा रहे। थर्ड पर्सन एक अकेले नहीं है, उनके साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं जो सब मिलके आपके पर्सन को एक तरीके से हरेशमेंट जैसे इमोशनल हरेश किया जा रहा है आपके पर्सन को। और ऐसे में आपके पर्सन किसी तरीके से आपकी याद आ रही है, सोच रहे हैं किस तरीके से आपको अप्रोच करें, बट अगर खुद ही कहीं और मैरिड है तो समझ नहीं पा रहे कि इस रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि जहाँ पे वो है वहाँ से इनको इतने धोखे मिले हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा है वो चीज़ें कि मैं इन चीज़ों से किस तरह से डील करूँ। यहाँ पे किंग ऑफ फैंस एंड यहाँ पे फाइव ऑफ कप है, ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं और इनके एनर्जी है आपके पास आने के लिए, ये स्टक डेफिनेटली है वहाँ पे जा कहीं भी है और एनजाइटी इनको हो रही है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है इस पर्सन को क्योंकि ये बन चुके हैं, ये कार्मिक लगातार चल रहे हुए कार्मिक ट्रिगर से ये पर्सन परेशान है, इनको समझ में आ चुका है कि इनके सराउंडिंग जो लोग हैं वो बस उनका फ़ायदा उठाने के लिए उनके पास है, उनके पास एक स्टेबिलिटी, इसलिए ये पर्सन इनके साथ जुड़े हैं, इनकी एक फैमिली है, उनको ये छोड़ नहीं सकते, इसलिए आपके पर्सन की मजबूरी है कि ये उनके साथ रह रहे हैं, बट जिनके साथ वो रह रहे हैं इनको ये भी पता है कि वो जो पर्सन है बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, इनके साथ अपने साथ लोगों को लेके ये आपके पर्सन को हैरेश कर रहे हैं, बट आपके पर्सन इन सब से निकलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के चलते आपके साथ कुछ गलत किया था तो इसके लिए इस पर्सन को आज पछतावा हो रहा है, आपके पर्सन को डेफिनेटली नाइटमेयर हेल्थ इश्यू तो चल रहे गाइस, ये सो नहीं पा रहे, कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे आपके पर्सन को, और अब इंटीट्यू तो हो चुके हैं, इनको समझ में आ चुका है कि वो जहाँ पर भी है वहाँ पे इनके साथ सिर्फ इनके इमोशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनके साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि ये बट ये जानने के बाद भी ये पर्सन वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये इनकी ऑलरेडी मैरिड पार्टी दिख रही है, या तो इनकी मैरिड पार्टी है या तो मुझे लगता है आप कहीं और मैरिड है, बट ये दोनों मुझे लगता है आप दोनों कहीं और मैरिड है, बट इसके बावजूद आपके साथ इस पर्सन को एक सुकून मिलता है, परेशान है, जो जो ट्रिगर इनको मिल रहे कार्मिक से वहाँ से तो बहुत परेशान है, मिस कर रहे, बट इनकी ऐसी मजबूरी में ये घिरे हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोमांटिक थाट उनके लाइफ में आपके लिए आते होंगे, बट अगर ये पर्सन इतनी हैवीनेस में है तो इसीलिए आर्कएंजल्स ने पहले बोला होगा कि आप पहले इनकी एनर्जी निकाल लो, बाद में इनकी क्या थॉट है आपके लिए वो भी निकालेंगे। तो ये तो हो गई आपके पर्सन अभी इस वक्त करंटली कौन से एनर्जी में है, समझ में आ गया है। अब देखते हैं करंटली आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड मी। यहाँ पे किसी के सर में दर्द हो रहा है क्या,
क्योंकि मुझे तो हो रहा है भाई। परेशान है ये जो लोग, इनके इनसे लगातार झगड़े कर रहे हैं, वहाँ पे अभी भी शायद झगड़े चल रहे हैं, मैं रीडिंग निकाल रही तब भी शायद झगड़े चल रहे हैं, ये परेशान है। मुझे और कितना एफर्ट डालना पड़ेगा? आपके आपके पास आना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं एक सुटेबल टाइम का, वो मिल नहीं रहा है। आपके पास इनको विक्ट्री मिलती है गाइस, इनके आने की एनर्जी है। इनके लाइफ में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लाइफ में भी काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं। बात करते करते ही मुझे ऐसे चक्कर जैसी चीज़ें आ रही है। यहाँ पे किसको हो रही है ऐसी तकलीफ? जी आप बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है, आपके लिए प्यार है गाइस। एक्शन लेना चाहते हैं ये सब लोगों को, मैं निपट लूँ एक बार अच्छे से, फिर मैं जाता हूँ। क्या है आपके जमा कर? आप खुद भी एक इंटीट्यू पर्सन हो, इनको पता है कि आप एक इंटीट्यू पर्सन हो, आप खुद भी एनर्जी से रिलेटेड काम करते हो, या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इनको पता है। गाइस प्यार तो है, क्या मैं बोलूँ, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये काम कर रहे हैं आपके साथ जो यूनियन है ना, काम कहाँ पे कर रहे हैं ये मैं पूछ रही थी। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी थी, लगातार उस सिचुएशन से निकलने पर ये काम कर रहे हैं, किसी तरह से सिचुएशन से मैं निकल जाऊँ और आपसे मिलूँ, मतलब ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं इस वक्त। अकेले है गाइस, ये पर्सन अकेले तो पड़े हैं, अकेले पड़ चुके हैं, इनको अकेलापन फील हो रहा है इस वक्त। इनके मन मुताबिक चीज़ें हो नहीं रही, इसीलिए अपसेट है ये पर्सन। किसी तरह से इनको निकलना है जिस सिचुएशन में वो अटके हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं, इतने एफर्ट डालने के बाद भी लोग इनको आसानी से छोड़ नहीं रहे, और ये पर्सन लगे हैं किस तरह से मैं इस सिचुएशन से निकलूं, लगे हैं। यूनियन, उनको यूनियन तो करने की एनर्जी है गाइस। आप इनको इनकी विक्ट्री ट्रॉफी के समान ही आप लगते हैं इनको, ये पर्सन डेफिनेटली मिलेंगे आपको। चाहे हो सकता है कि अगले दो दिन में ये पर्सन मिले आपको, आपके लिए बहुत अनकंडीशनल प्यार है गाइस। इतना ही नहीं, बहुत अच्छा सोचते भी है आपको लेके। आप इतने अगर बड़े अहदे पे काम पर भी हो, बट आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो, आप सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, ऐसे पर्सन की सोच है आपको लेके। बट अभी जिस हालात में वो उलझे ना, वहाँ से वो इतने आसानी से निकल नहीं पा रहे, इसलिए पर्सन परेशान है। बहुत ही इनकी ओर से कोशिश हो रही है, बट बहुत ही छोटी हो रही है, ये आपको भी पता है। बट इस वक्त ये पर्सन आपके मन में, आपके लिए मन में प्यार है, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट फिलहाल उलझे हैं। थ्री ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जकड़े में, वही मैं बोल रही हूँ गाइस। जो पर्सन इनके लाइफ में ना थर्ड पार्टी, वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, पजेसिव है, और ये उनके लिए हो सकती है इन अ बैड वे, बट ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं तो इनको अब इस वक्त बहुत जेलस हो रही है। थर्ड पार्टी के चलते अगर आप इस पर्सन को मिल नहीं रहे, आप भी थर्ड पार्टी में हैं, आप भी कहीं मैरिड है, तो इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। चलिए, बहुत इनके मन में ही, अंदर ही अंदर बहुत ही इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये खुद समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से काम करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगेन एट ऑफ सोर्स, काम कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो हैंग स्ट्रक है ना, उनको जकड़ के रखा है हालात ने, सिचुएशन ने, थर्ड पार्टी ने, वहाँ से एफर्ट कर रहे हैं निकलने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे लगता है झगड़े तो चल रहे हैं इनके, अभी भी चल रहे हैं। मेरी रीडिंग निकाल रही हूँ इस वक्त भी कुछ ना कुछ, या तो जोर जोर से चल रहे हैं, या तो माइंडली चल रहे हैं, बट इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे। आप इस पर्सन के लाइफ में एक विक्ट्री के समान हो, और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये रिलेशनशिप आपके साथ ये पर्सन बिल्कुल सक्सेसफुली ऐसे आगे बढ़ाएंगे।
जी हाँ, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। यहाँ पे दो कार्ड दे दी तो मैंने दोनों ले लिए हैं। यहाँ पे किस चीज़ के लिए ये अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ ला रहे, पावर में आ रहे हैं, क्योंकि लोग इनको झगड़ रहे हैं। ये बार बार वही एनर्जी आ रही, किसी का सच में बहुत जम के झगड़ा हो रहा है अपने लोगों के साथ। और अब किसी तरह से इन सभी लोगों को एक किनारे करके ये पर्सन आपके ओर एक रास्ता निकालते हुए आ रहे हैं। एनर्जी में तो आ गए गाइस, ये आपके पास आने की एनर्जी में आ गए, और ये आ भी जाए। आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ही आपको लेके बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। यस, प्यार भी है, केयरिंग, नर्चरिंग, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो। फाइनेंस का तो वैसे भी बाद में आता है, बट एनर्जी मुझे वही आई है। आपका सब सब एटीट्यूड, सब एंगल इनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये हर डायरेक्शन से आप भी फिदा है। मुझे भी लगता है कि आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है एंजल? अर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? देखिए, ये आपको प्रपोज तो करेंगे गाइस, शायद आपको भी पता है, आपकी इंट्यूशन हो चुकी है कि ये पर्सन अब आपको प्रपोज करेंगे। शायद किसी को प्रपोज मिल भी गया है। यहाँ पे देखिए, मैंने एट ऑफ किसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हैंग मैन है। और इसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या था कि ये पर्सन, मुझे लगता है ना, पास में थर्ड पार्टी के चलते ही इस पर्सन आपको छुड़ के गए थे, थर्ड पार्टी के पास गए थे आपका दिल तोड़ के ये पर्सन, और आप हैंग थे इस सिचुएशन में। और शायद आपके लिए आसान नहीं है इस सिचुएशन को वापस से उस मोड़ पे लाना। इसके लिए पर्सन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, आपको इन सारी एनर्जी से निकालने के लिए। डेफिनेटली ये पर्सन आपका दिल तोड़ के थर्ड पार्टी के पास तो गए थे आपको हैंग करके। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? आपके एंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। आर्कएंजल भी ना एक कार्ड के लिए इतने दे रहे हैं, देखिए इनको भी चाहिए ना आपको करियर गाइडेंस मिले। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। देखिए टू ऑफ कप, इन्होंने छोड़ दी थी चीज़ें डिवाइन पे, और मुझे लगता है एंजल भी ब्लेस कर रहे हैं आपके यूनियन को। यस, आप इस पर्सन के एम्प्रेस हो, इस पर्सन को पता है अब ये पर्सन के साथ आप मैरिड है नहीं है, ये बात आप दिमाग से रहने दो। बस इतना ही सोचो, जिसके लिए आप प्यार कर रहे हैं वो क्या सोच रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर इनके मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स ने सुन ली है और अब उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपका यूनियन 0.1% हो रहा है, 0.1%। एंजल ब्लेस कर रहे हैं गाइज आपके रिलेशनशिप को, प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप। देखिए, अकेले अकेले फील तो कर रहे पर्सन इस वक्त, बट ये एनर्जी तब्दील हो जाएंगी। रिकन्सिलेशन, यूनियन, हैप्पीनेस, पार्टी, घूमना फिरना, ऐसा ये एनर्जी निकलना चाहते इस पर्सन इस मेंटेलिटी से, और आपके साथ रीयूनियन होना चाहते, रिकनसाइल होना चाहते। रिकनसाइल, रीयूनियन, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग अपने हाई वाइब्रेशनल सोलमेट से डील कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एनर्जी ट्विन फ्लेम के लिए भी आई है, बट मैं ये लेबलिंग के तौर पर मैं कोई रीडिंग करती नहीं हूँ। मुझे लगता है हर सोल यहाँ पे कीमती है, हर सोल का प्यार कीमती है। तो उल्टा कनेक्शन जितना सिंपल रहे उतनी चीज़ें आसान और अच्छी रहती है, जितना स्पेशल कनेक्शन के लिए आप जाओ उतनी कॉम्प्लिकेशंस, डिफ़िकल्टी, स्ट्रगल रहते हैं। तो सम्मान कीजिए हर सोल का, हर रिश्ते का, और आपके लाइफ में मुझे वो आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन गाइस 101% आपसे रिकनसाइल होंगे, 101% मिलेंगे आपको। कुछ भी है इनके लाइफ में दिक्कतें, धीमे धीमे आ रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि अब ये इनको एक इन चीज़ें ये भी कि इनको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, आपको भी प्रोटेक्ट करना है, रिश्ते को भी स्टेबल करना है, बैलेंस करना है, सक्सेसफुल करना है। अगर कुछ पीछे चीज़ें गलत हुई थी उनको सॉर्ट करना है, तो इतनी सारी चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट इस पर्सन की मैंटेलिटी आपको लेके बहुत अभी पॉजिटिव है।
देखती हूँ इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी इन दिस सेशन। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लव पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। हाय प्रिस्टेस, यहाँ पे मुझे लगता है ना कोई सच में एक हीलर है, टैरेट का रीडर है, एम्प्रेस। हाय प्रिस्टेस एम्प्रेस, कोई गुड न्यूज़ तो आ रही गाइस आपके रिलेशनशिप में आगे चलकर। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, मैरिड है, तो ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक गुड न्यूज़ आ रही है। वुमन मून, ये फीमेल की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। ये पर्सन ओपनली तो अपनी इमोशंस इतने आपको बताएंगे नहीं गाइस, हाइड ही रखेंगे अपनी इमोशंस। थ्री ऑफ वैंड्स, बेटिंग की एनर्जी रहेंगी क्योंकि ये पर्सन इतने, मैंने अभी चीज़ें आपको गिनवाई, अगर इतनी चीज़ों से सॉर्ट कर रहा है तो ये थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी वैसे भी तो लगती है। बट होप है, यहाँ पे एम्प्रेस के ठीक नीचे होप है। मनोकामना पूरी हो रही है, थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है खुल के ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बात करेंगे भी नहीं आगे क्योंकि पता नहीं आपको कौन सी बात हर्ट कर जाए। बट ये पर्सन बैलेंस बनेंगे, मेंटल पीस रहेगा गाइज आपको बाद में इस रिश्ते में, अगर बहुत ट्रामा हुआ था पास्ट में। बट मुझे लगता है आगे ये रिश्ता आपको मेंटल पीस में तो लाएगा। माइकल प्लीज गाइड मी। टू ऑफ सोर्स, ये अगर कहीं और मैरिड है ना गाइस, आप भी मैरिड है, वो भी मैरिड है, ये तो आसान तो नहीं है आप दोनों का कमिटेड रहना ऐसे सिनेरियो में। कंफ्यूजन रहेगी बट आपके साथ रिश्ता भी मुझे सुधरता हुआ दिख रहा है। आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो वो चीज़ मुझे नहीं यहाँ पे दिख रही है। कमिटमेंट तो नहीं मिलेगी बट रिश्ते में बहुत सुधार आएगा। आप जैसा चाहते थे ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके सामने आए। ये पर्सन आपसे खुल के बात कर रही है, ये पर्सन आप चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं आप इस पर्सन का इस एनर्जी में आने के लिए। अब ये पर्सन कितना खुलते हैं आपसे कि आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा एक बॉसी नेचर इनका आगे भी कंडक्ट करते दिख रहा है। ये खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपके साथ रिश्ता, आपको भी, बट इक्वल गिव एंड टेक अब ये पर्सन देंगे। एक पीस रहेगा आपको, भले कमिटमेंट ना दे ये पर्सन आपको, बट इमोशनल सपोर्ट ये पर्सन आपको देंगे, ये मुझे लगता है। थोड़ा लगेगा आपको, कमिटमेंट नहीं मिल रही तो शायद इसीलिए आपको लगेगा कि आपके कुछ आपने मिस किया है, या फिर सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें कि कुछ तो कम है ऐसा। देखिए अगर आप कंफ्यूज माइंडसेट में है तो मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन आपको निकालेगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी आपको सोचने के लिए। गुड न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है क्योंकि बहुत एफर्ट डालेंगे ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, आपको खुश करने के लिए हर कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आगे, ताकि इस रिश्ते में एक अच्छी सी सुधार हो, एक अच्छी सी स्टेबिलिटी मिले इस रिलेशनशिप में। गुड न्यूज़ की ओर तो जा रहा है आपका रिश्ता, हैप्पीनेस की ओर तो जा रहा है, बट बातें क्या रहेंगी, जो सीक्रेट्स रहेगा ये पर्सन, मैंने बोला ना ये अगर कहीं और मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका दिल टूटे। यह हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपकी उस इसीलिए लग रही है, या फिर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, आप इनको छोड़ नहीं सकते,
इसके लिए हो सकता है इस पर्सन का भी दिल टूटे, क्योंकि ये पर्सन ये बार बार नजर आ रही कि ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं फ्यूचर में। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड देन टेम्परेंस है, तो हो सकता है कि एक इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने के लिए ना इस पर्सन को कुछ ऐसा फैसला करना पड़े कि किसी को तो कट करना पड़े। और मुझे लगता है जो कोई लोग आपकी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, इनको कम्प्लीटली तो नहीं बट काफ़ी हद तक एक कट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिससे आप मेंटल पीस में रहें, आपके साथ जो रिश्ता है उसमें बैलेंस रहे। टेम्पररी या फिर बोलते हैं ना कि पार्शली ये पर्सन इन टॉक्सिसिटी को कट करते हुए दिख रहे हैं, डिटैच करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से आप हर्ट हो जाए, आप खुद अपने मेंटल पीस के लिए इस पर्सन से दूरियां बना ले, ये भी हो सकता है। किसी किसी के लिए ये भी एनर्जी टैप अप हो रही है। पेज ऑफ फैंड्स, अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं और इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये पर्सन आपसे मिल रहे हैं, आगे चलकर आपके साथ यूनियन कर रहे हैं, आपको बोल रहे कि अब आपके पास से आ चुके हैं, आपको काफ़ी हद तक इंट्यूशन भी है कि अब आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और सडनली आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसे आएंगी जिसके चलते आपको ये समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी को अभी भी आपके पर्सन ने छोड़ा नहीं है और इस वजह से आपका दिल टूटेगा। तो आप क्या करेंगे ना, अपने मेंटल पीस के लिए आप इस पर्सन को थोड़ा डिटैच करके रखेंगे। अब ये थर्ड एक स्टोरी मुझे आई और मुझे लगता है ये स्ट्रांगली किसी के लिए रेजोनेट हो रही है। क्यों मैंने इसे बोला, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, फिर आपके शादी के लिए शादी के रिश्ते में आप एक या फिर ये पर्सन एक कोशिश पॉजिटिव कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, अपनी शादी की ओर आ रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जिसे कि आप एक वेट कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आ जाए, आप इसके लाइफ में इनके लाइफ में इम्प्रेस हो, इम्प्रेस की दो बार एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप इनके बच्चों की या तो माँ है या फिर पापा है, और आप चाह रहे हैं ये पर्सन आपके साथ आ जाए, अगर थर्ड पार्टी में थे तो उनको कम्प्लीटली छोड़ के आए, थर्ड पार्टी को आपको बोलेंगे थर्ड पार्टी को छोड़ा है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन सीक्रेटली थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाए रखे हैं, ये चीज़ें आपके सामने आएगी जिससे आपका दिल टूटेगा। बट आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन कम्प्लीटली आपके पास आ जाए। बट इस रिश्ते में मुझे ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत रहेगा, बट अगर आपके लिए बोलूँ तो मुझे रीडिंग तो अच्छी लगी है। पेज ऑफ वैंड्स, इस पेज की एनर्जी बहुत आई है, 11 नंबर यहाँ पे मुझे लगता है किसी के हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है, 333 नंबर, 11 नंबर, 222 का नंबर, 444 नंबर आप लोगों को दिख सकता है आजकल, 444। आपको होप है और आप अपने पॉजिटिव होप के पास जा रहे हैं, ये आपकी होप मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है। कुछ चीज़ें है गाइस, टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, ये एंड इसको फुल। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाएंगे क्योंकि अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आप भरोसा करते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन के ऊपर। हालांकि थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में है, अभी भी है, ये आपको पता है, बट अगर इस पर्सन ने कुछ आपको एश्योरेंस दिया है तो उस पर आप ट्रस्ट करेंगे, और अब ये पर्सन खुद अपने एफर्ट भी डाल रही इस रिश्ते में, ये देखकर मुझे लगता है आप इस पर्सन की बातों पे आ जाएंगे, भरोसा करेंगे, और शायद ये ठीक भी रहेगा। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे डेविल, कन्फ्यूज माइंडसेट में ये पर्सन बार बार जाते हैं, समझ नहीं पाते, एक बार आपके पास आ जाते फिर उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। इसकी वजह यह कि या तो इनके कोई कान भरता है आपके खिलाफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेंड्स थ्रू रिलेटिव्स थ्रू, या फिर इनके ऊपर कोई कुछ ऐसा करता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी का साया रहता है, इसीलिए पर्सन बार बार ड्यूअल माइंड सेट में चले जाते हैं। एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे,
देखिए, लगता है कि ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में तो रहते हैं, या फिर इनका ऑलरेडी नेचर एम्परर की जैसा है कि ये रूडली बात करते हैं, मतलब एफर्ट करेंगे बट इनकी बातें ना बहुत कड़वी रहती है, एबीसी रहती है, गाली गलौज करते हैं, रूडली बिहेवियर करते हैं, एफर्ट करते हैं आपके लिए बट इनके बिहेवियर से सिर्फ रूडनेस टपकती है। ये कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इनके शब्द के अलावा कोई कुछ ना करे, इनके बातों के आगे जाके कोई कुछ ना करे, ऐसे हमेशा इस पर्सन की नेचर इस पर्सन का रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है ना कि आपका ये डिटैचमेंट वाले एनर्जी आप इसीलिए रहते हैं। या तो थर्ड पार्टी कैरी करता है, उसको छोड़ता नहीं है, हमारे साथ रहता है, उनको भी कनेक्ट रहता है, ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ढंग से बात नहीं करता है, सेक्सुअल एडिक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से हो सकता है कि आपका एक मेंटल थॉट बन जाए कि क्यों ही इसके इतना अटैच में रहूं, शादी है तो इसलिए ठीक है भाई, कमिटमेंट ही फॉलो करते हैं, बट इमोशनली मुझे लगता है आप डिटैच कर देंगे इस पर्सन को, इसका रूडनेस बिहेवियर, इसका रूड बिहेवियर, इसका मैनिपुलेशन, इसका कंट्रोलिंग एटीट्यूड, ये चीज़ें आपको ऐसा बना देंगे। और देखिए, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी हमेशा बुरी नहीं रहती, एक्चुअली मेरे लिए मुझे अच्छी लगती है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, कि अपनी पावर में आना, अपनी सेल्फ लव करना, सेल्फ एस्टीम में आना, और जो लोग आप पे हावी हो रहे हैं, जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो आपको एक नेगेटिव एनर्जी में डालते हैं, उनको सडनली कट कर देना, एक्चुअली दिस इज़ अ गुड एनर्जी, क्योंकि कभी कभी कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी रहता है, जो किसी कोई कोई कट ऑफ कर ही नहीं पाता, पूरी लाइफ ख़त्म होती है बट इनको कट ऑफ करना ही नहीं आता। अब ऐसा क्यों लगेगा आपको कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है? ये इसलिए आपको लगेगा कि इस तरह का बिहेवियर अगर चलता रहेगा ना, तो ये झगड़े या ये चीज़ें आप दोनों में होती रहेगी, इसलिए आप मन ही मन रहेंगे कि क्या सच में आप इस पर्सन के साथ रह के कोई गलती तो नहीं कर रहे, इससे बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है क्या? ये एनर्जी में आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आगे पर्सन की तो एनर्जी मुझे अच्छी लगी है टुवर्ड्स यू, बट 50-50, मतलब मुझे 60% अच्छी लगी है और 20% आपका भी माइंडसेट, आप भी जवाब देंगे ना गाइस, आप भी ह्यूमन बीइंग है, कब तक आप ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करेंगे? बट अंत में सब कुछ थोड़ा सैड सैड रहेगा, बट रिजल्ट अच्छा है, ओवरऑल रिजल्ट मुझे अच्छा दिखा। एंजल आपके लिए क्या गाइड करते हैं मैं देखती हूँ, एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है। फ्यू वीक टू फ्यू मंथ, नो नीड टू वरी, एंजल भी बहुत अच्छे मैसेज दे रहे गाइस, क्यों चिंता करती हूँ फिर? हाँ, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, सीक्रेट सामने आती तो इसका जवाब आपको पूछना ही पड़ेगा, बट थोड़ा सॉफ्टली और प्यार से, बिल्कुल भी झगड़े नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन का नेचर थोड़ा झगड़े वाला है, लोगों की बातों में आना, गुस्सा करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये ऑलरेडी इनका नेचर है, तो आप जो कुछ भी पूछेंगे तो थोड़ा प्यार से। ओके, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर। मैंने बोला ना गाइस कि किसी को बहुत हेल्थ इशू हो रही है, मुझे भी बहुत थकान हो रही है, मुझे भी बहुत ऐसा हो रहा है कि अब थोड़ा मैं सो जाऊँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।